मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड दो मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा की वापसी के साथ नीतीश कुमार के नवरत्नों की छुट्टी, वही दूसरी तरफ नीतीश के नवरत्न उनके पास रहेंगे तो भाई उपेंद्र कुशवाहा बाहर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को ही बाहर करना है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा है। इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने चर्चा की और कहा कि उन्हें हिस्सेदारी चाहिए, वहीं अब कुशवाहा के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार फेसबुक पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सड़क से लेकर फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास तक संग्राम मचा हुआ है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को इतना सक्रिय, इतनी जल्द कैसे कर लिए? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या उपेंद्र कुशवाहा लंबी तैयारी कर रहे थे? क्या उपेंद्र कुशवाहा तैयारी करके एक प्लान के तहत विरोध पर उतरे? ये तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के समर्थन के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एक शक्ति मिली है और वो शक्ति पशुपति पारस की जैसी है। दरअसल पशुपति पारस को जिस तरीके से शक्ति प्रदान की गई जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि पार्टी को तोड़ दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा को चिराग पासवान शक्ति दे रहे हैं। पार्टी में भयंकर टूट की संभावना है। खुले तौर पर बात की जाए तो आधा दर्जन एमएलसी ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया है। पार्टी के शीर्ष पद पर, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, खासतौर पर नीतीश कुमार के आसपास और ललन सिंह के आसपास के लोगों को, तो बाकी कई दर्जन बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं। कई एमपी उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं, कई विधायक उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं और कई एमएलसी भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाई में फायदा किन को होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भाजपा स्पष्ट रूप से फायदा उठा सकती है, भाजपा उठा भी रही है। वही चिराग पासवान ने मौके पर चौका मारा है और उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया और कहा कि उपेंद्र जी का मैं समर्थन करता हूं, अच्छे नेता हैं। नीतीश कुमार सबको ठगने का काम करते हैं। इस बार असल में जनता दल यूनाइटेड किसकी है, उसकी लड़ाई होनी है। देखना यह होगा कि एक तरफ जहां कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया है, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर क्या आने वाले दिनों के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं इस साजिश में चिराग पासवान भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी अब लगभग दो फाड़ होने के कगार पर है। किसी भी वक्त नीतीश की पार्टी में हंगामा हो सकता है और बड़ी भगदड़ उपेंद्र कुशवाहा करा सकते हैं, बशर्ते कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का विश्वास हो जाए कि अब जनता दल यूनाइटेड में वो नहीं रह सकते। कुशवाहा जदयू में रहकर ही जदयू को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लोहा से लोहा, सोना से सोना काटने का प्रयास कुशवाहा का है और इस बार उस प्रयास में कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।